यार अभिजीत, तू त्यागी के साथ कांटेक्ट हमेशा बनाए रख, क्योंकि भगवान न करे अगर वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया, वो ये खबर मुझ तक कभी पहुंचने नहीं देगा। तो चिंता मत कर, मैं त्यागी से बराबर कांटेक्ट करता रहूंगा। और हाँ, अपना ख्याल रखना, चल ठीक है, चल बाय। बाय यार, थैंक्स। अरे मेधा, तुम आओ। ऋषभ, मैं क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। हाँ मैं कुछ कुछ परेशान हूँ। तो ऐसा करो, अपनी परेशानी मेरे साथ बांट लो, यू विल फील बेटर। मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। व्हाट? ये चाचा जी को हो क्या गया? गलती पर गलती करते जा रहे, और बात तो यह कि वो गलती कर नहीं रहे, उनसे करवाई जा रही है। उन पर ऐसी बेखुदी छाई हुई है कि वो खुद नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं। सॉरी मेधा, लेकिन फिलहाल इस मामले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। लेकिन यकीन जानो, मुझे सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो क्या तुम यकीन करोगे? ऑब्वियसली नॉट। ऋषभ जरा सोचो, अगर मैं ये नौकरी कर रही होती तो क्या होता? क्या होता? मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की वकील होने के नाते किसके खिलाफ खड़ी होती? सुनील के। अब मेरी नौकरी छूट गई है, तो अब मैं मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा और करण के खिलाफ सुनील की लड़ाई में उसकी मददगार बन सकती हूं। सुनील की मददगार? मेधा, शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि सुनील की लड़ाई अब मेरी लड़ाई बन गई है, और तुम मेरा ही नाम लेना भूल गई। मेधा के नाम में ऋषभ का नाम वाबस्ता है। मेरी हर लड़ाई असल में ऋषभ की लड़ाई है। थैंक यू। तुम्हारे आ जाने से करण के खिलाफ मेरी लड़ाई अब मुझे आसान लगने लगी है। थैंक्स लॉट। तो ये थे।